नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले सहारनपुर की। फैमिली ब्लड डोनर्स ट्रस्ट की तरफ से यहां पर 130वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें यहां पर ग्रामीणों को रक्तदान के फायदे बताने के साथ साथ ही जागरूक भी किया गया। शिविर में यहां पर 35 लोगों ने रक्तदान किया। दरअसल फैमिली ब्लड डोनर्स ट्रस्ट की तरफ से क्षेत्र के गाँव साढ़ोली भूड़ में चौधरी राकेश के आवास पर आयोजित 130वें रक्तदान शिविर का शुभारंभ के मौके पर बोलते हुए ट्रस्ट से जुड़े पंकज पांचाल और साथी तरणो भौला ने यहां पर कहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। साथ ही कहा कि यहां पर आकस्मिक दुर्घटनाओं में तुरंत रक्तदान की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर ऐसे वक्त में रक्त मिलना मुश्किल हो जाता है, फिर रक्त मिलने में देर हो जाती है, जिससे मरीजों की यहाँ पर जान तक चली जाती है। ऐसे में हमारी संस्था फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट रक्तदान शिविर आयोजित कर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही रक्तदान भी कराती है, ताकि समय रहते किसी की जान को बचाया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों को रक्तदान के फायदे बताते हुए जागरूक भी किया है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। किस तरह का कार्यक्रम हुआ? ये एक रक्तदान शिविर है लोगों में जागरूकता के लिए, और गर्मियों के सीजन में अक्सर ब्लड बैंकों में रक्त की बेहद कमी हो जाती है, उसके लिए हम लोग गांव में आए हैं ब्लड डोनेशन करने। ये दूसरा ब्लड कैंप है यहाँ पे, एक पिछले साल हुआ था, उसका बहुत अच्छा डोनेशन हुआ था। एक इस बार फिर गांव के लोगों ने हमें फ़ोन करके कहा कि यहाँ पे आइए और एक डोनेशन करिए। आज यहाँ बहुत अच्छा कैंप चल रहा है। किसकी तरफ से हुआ है? ये फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स की तरफ से, हम सहारनपुर से करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। किस तरह का कार्यक्रम हुआ? ये एक रक्तदान शिविर है लोगों में जागरूकता के लिए, और गर्मियों के सीजन में अक्सर ब्लड बैंकों में रक्त की बेहद कमी हो जाती है, उसके लिए हम लोग गांव में आए हैं ब्लड डोनेशन करने। ये दूसरा ब्लड कैंप है यहाँ पे, एक पिछले साल हुआ था, उसका बहुत अच्छा डोनेशन हुआ था। एक इस बार फिर गांव के लोगों ने हमें फ़ोन करके कहा कि यहाँ पे आइए और एक डोनेशन करिए। आज यहाँ बहुत अच्छा कैंप चल रहा है। किसकी तरफ से हुआ है? ये फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स की तरफ से, हम सहारनपुर से करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह की कार से यहां पर स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां पर जंगल से स्कूटी पर सवार होकर लौट रहा था मृतक युवक, घर लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने युवक पर दोबारा कार चढ़ाने का भी आरोप लगाया है। और चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद बिजनौर की थाना सिहारा क्षेत्र में यहाँ पर विशाल भंडारी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और साथ ही ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों के बीच बैठकर यहाँ पर भोजन ग्रहण किया। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा स्तर पर देखें तो यहाँ पर कानून व्यवस्था फेल है और सरकार में बैठे नेता गरीबों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं और सारी भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। सुरक्षा के स्तर पर देखें, कानून स्तर पर तो फेल है। अगर हम और जो है पटल, जैसे विकास का पटल, उस पर भी आप देखोगे तो सरकार फेल है। सरकार में बैठे नेता गरीबों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं, सारी भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्तियां हो रही है उनमें घोटाले हो जा रहे हैं। आरक्षण का घोटाला हो या और कोई घोटाला हो, कानून व्यवस्था के नाम पे पुलिस ही अब अगर आपने देखा हो, कानपुर में एक इंस्पेक्टर दरोगा ने 50 लाख रुपए की जो है चांदी लूट ली। जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ की सरकार पूर्ण रूप से फेल है और जनता में उनके प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है। जैसे ही समय आएगा, जनता इस आक्रोश को वोट की चोट से जवाब देके इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बहनों के लिए यहाँ पर चालू की गई लाडली बहना योजना की यहाँ पर 1000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खाते में आ गई है। इसी क्रम में यहाँ पर महिला और साथ ही बाल विकास विभाग की धन्यवाद रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर बहनों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। परिजन अब तक यहाँ पर जो है परियोजना अधिकारी कोमल उपाध्याय ने बताया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री सभी बहनों के खाते में जबलपुर के कार्यक्रम के माध्यम से शाम 6 बजे बहनों के यहाँ पर संबोधित किया और उनके खाते में सीधा राशि को डाला है।
कल्लड़ से बीजेपी प्रत्याशी रहे मनीष सैनी के यहाँ पर नेतृत्व में बीजेपी की ओर से यहाँ पर ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री विनय रोहेला और साथ ही रूड़की जिलाध्यक्ष शोभा राम प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सरकार की ओर से यहाँ पर चलाई जा रही योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराते हुए उनको जागरूक करते हुए जनसंवाद कार्य किया। कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री विनय रोहेला और साथ ही जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभियान के अंतर्गत जो संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सातों मोर्चों के कार्यकर्ता एक साथ बैठकर महासंपर्क अभियान के अंतर्गत यह रचना योजना बनाएंगे, उसी को लेकर हम सब पिरान कलियर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्पित एवं संकल्प लिया है कि अपना जो 20 से लेकर 30 तक महासंपर्क अभियान होगा, उसमें हर कार्यकर्ता बूथ तक पहुँचेगा और बूथ के अंदर अपने संपर्क को बढ़ाएगा। आदरणीय मोदी जी द्वारा जो देश के प्रति और देश और मोदी जी और धामी जी ने जो अपने उत्तराखंड में जो काम किया है, उन सब कामों की चर्चा जनता तक जाएंगे। ठीक है, निरंतर कार्य चलते रहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर सभी जनजन तक उनका जो योजनाएं हैं उनका पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते हैं। आज उसी के निमित्त संयुक्त मोर्चे के सभी मोर्चे के आज यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, चाहे वो OBC मोर्चा हो, चाहे SC मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चाहे अपना महिला मोर्चा हो, सारे के छः मोर्चे के लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। संपर्क अभियान करके पार्टी का चल रहा है, उसी के निमित्त जो आज हमारा जो सभी संयुक्त मोर्चा करके प्रोग्राम था, उसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री विनय रोहेला जी ने शिरकत की है और सभी जितने भी हमारे मोर्चे हैं उनके पदाधिकारी गण एकत्रित हुए। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर हिंडाल्को BKB खाइन पाठ में यहाँ पर जो है लेबर की यहाँ पर सेफ्टी नहीं है। लोग यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर कई सालों से काम करने को मजबूर हैं। बिना बी फार्म लेबरों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, BKB बी फार्मा में नहीं दे रही है लेबरों को जगह और साथ यहाँ पर जिसका फायदा उठा रही है। हिंडाल्को BKB जैसे यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ सामरी पाठ बाक्साइट के नाम से जाने वाला यहाँ पर क्षेत्र है और कई वर्षों से यहाँ पर हिंडाल्को कंपनी सामरी क्षेत्र में बाक्साइट खनन के लिए यहाँ पर जाना जाता है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर लेबरों से काम करवाया जा रहा है। सामरी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर कई खदानें संचालित की जा रही हैं, जहाँ पर BKB कंपनी GNC यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के भी तरफ से यहाँ पर अपनी लीज एरिया में ब्लास्टिंग माइनिंग कर खदान के अंदर काम जो है अपने बी फार्म के लेबरों से ही काम कराती है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ पर सामरी क्षेत्र के अंतर्गत बासटोली माइंस में यहाँ पर रविवार के दिन जो कि यहाँ पर छुट्टी का दिन है, उस दिन भी बाहरी लेबरों से ट्रक में लोडिंग का काम करवाया जा रहा था। जब ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जाकर लेबरों से बातचीत की गई तो पता चला कि यहाँ पर उनका बी फार्म में नाम नहीं है और लेबरों के यहाँ पर कोई सेफ्टी को लेकर भी व्यवस्था नहीं की गई है। गौरतलब है कि यहाँ पर ये मजदूर लेबर अपने यहाँ पर खुद के पैसों से सेफ्टी के लिए यहाँ पर जूता टोपी दस्ताना और साथ ही खरीद कर काम करने को मजबूर है। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कंपनी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी यहाँ पर तानाशाही मानसिक रवैये की बजाय जो है बाज नहीं आ रही है। कल जब फिर से यहाँ पर हमारे संवाददाता ने सामरी क्षेत्र के यहाँ पर अंतर्गत में एक और हिंडाल्को BKB के यहाँ पर माइंस से खदान खाइन पार्ट में ग्राउंड जीरो में जाकर देखा तो यहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर बहुत से लेबरों के पैर में जूता तक नहीं है। अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्थर को फोड़ने का काम बड़ी मात्रा में किया जा रहा था। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है, क्या इस तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। कितना साल हो गया आपका? 10-12 साल ही हो गया। नहीं, आपका आयु कितना हुआ, कितना साल के हैं उम्र? 30 साल के हो गए आप। कब से काम कर रहे हो यहाँ? काम हो रहा है 10-12 साल। 10-12 साल तो आपको जूता अभी तक नहीं पहना हो, अगर कुछ हो जाता है तो जूता क्यों नहीं मिला आपको? नहीं मिला। टोपी कौन दिया? टोपी दिया है। फ्री में मिला है? जी दे। ठीक है। पानी उनी के यहाँ पास उचित सुविधा है पीने वीने के लिए? हाँ है। कहाँ है? वहाँ है। अच्छा, जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। और ये जो अभी आप लोडिंग कर रहे हैं इसका पैसा कौन देगा? ड्राइवर देगा। मतलब बिना बीफ हम वाले हैं आप लोग जी?
नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन टेज। आज हम खड़े हैं बीकेबी खान पाठ में, जहां आप देख सकते हैं कि खनन का काम चालू है और चरम सीमा पर है। यहां पे जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिनका बी फॉर्म में नाम नहीं है, अगर इनकी जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? और बात करेंगे हम इनसे और इन मजदूरों से जानना चाहेंगे कि आखिर इनके पैर में जूता क्यों नहीं है। आइए, कैमरा मैन से निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा मेरी करीब आए। ये जो आप आज जूता नहीं पहने हैं खदान के अंदर, और कोई किसी प्रकार का कोई पत्थर गिर जाता है आपके पैर में और उससे हानि हो जाता है और आप जो है चलने फिरने में आपको दिक्कत होने लगेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ तीन आदमी जूता चप्पल नहीं पहना, बाकी जूता पहना है कि नहीं? घर में रखा होगा। आप लोगों के द्वारा कोई जूता दिया गया? बीकेबी के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और हम दिखा रहे हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे। आज जो आप यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ पे जो लोड कर रहे हैं गाड़ी, आपका बी फॉर्म में नाम है? नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा बसंत। बसंत, बसंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोग जो है धूप पानी हो या बरसात हो, आप हर वक्त जो है खदान में आते हैं और यहाँ पे अपने पेट के लिए रोजी रोटी का काम करते हैं ना, और यहाँ पे आप पत्थर का लोडिंग का काम करते हैं, आप पैर में जूता नहीं पहने हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई पत्थर छटक के गिर जाता है तो इससे क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। बी फॉर्म में नाम ही नहीं है। बी फॉर्म में आपका नाम नहीं है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। मतलब गरीबों की जान की नहीं है कोई फिक्र, और बीकेबी के द्वारा जो है जबरदस्ती लोगों को जो है कार्य कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनको कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, कोई जो है ठोस इन लोग की जो है ना जूते की उचित व्यवस्था की गई है ना और भी किसी प्रकार का कोई व्यवस्था है। कहीं ना कहीं ये जो है देखने वाली बात होगी कि ये जो तानाशाही का जो दौर चल रहा है आखिर कब तक चलेगा। नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज नेशन 10, मैं हूँ सुहेल खान। और से बात अगली खबर की करेंगे। बता दें कि अभी खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है। बता दें कि यहाँ पर हिंडालको GNC के चरहट नयापीठ खदान में स्थानीय लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं देने पर आक्रोश में आकर बंद कराया माइंस, और आपको बता दें कि यहाँ पर आश्वासन नहीं, नौकरी चाहिए, 40 नहीं 150 के पार चाहिए। नारे के साथ चरहट माइंस खदान गूंज उठा है। हिंडालको GNC के चरहट नयापीठ खदान में स्थानीय लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं देने पर आक्रोश में आकर बंद करवा दिया गया है माइंस को, और समरी चौहट में यहाँ पर एक नया पीठ खदान संचालित किया गया, जिसको लेकर यहाँ पर पूर्व में नौकरी की मांग को लेकर भी खदान माइंस बंद करवाया गया था। समरी चौहट ग्राम पंचायत के स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि और सरपंच सचिव BDC सभी यहाँ पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रदर्शन किया और वहाँ के ग्रामीणों की तरफ से देखने को मिल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की यहाँ पर ये मांग थी कि यहाँ पर पूरे लोगों को नहीं बल्कि यहाँ पर 60 से 70 लोगों को नौकरी में रखने की मांग की गई थी। हड़ताल में रहे यहाँ पर ये लोग भी अपनी मांग कर रही थी। 15-20 दिन तक हड़ताल जारी थी, उसके बाद हड़ताल स्थल पर पहुंचकर हिंडालको के यहाँ पर अधिकारी GNC के ठेकेदार मैनेजर उपेंद्र सिंह और साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। पर 4 से 5 दिन के अंदर ही 4 पंचायतों को मिलाकर 8-8 लोगों को यहाँ पर मिलाकर 32 लोगों को नौकरी में रखने की बात का आश्वासन देकर हड़ताल को खत्म करवा दिया गया था। GNC कंपनी अपनी खदान में माइनिंग शुरू कर दी थी और ना तो वहाँ के लोगों को अब 4 से 5 दिन के बाद नौकरी मिल पाती है, ना ही वहाँ कंपनी के लोगों के तरफ से यहाँ पर नौकरी के विषय पर कोई चर्चा करती है। लगभग 1.5 महीने यहाँ पर बीत जाने के बाद भी लोगों ने यहाँ पर अपनी मांग पूरी नहीं होने पर अपनी राज्य मांग को लेकर GNC ठेकेदार के प्रति नाराजगी जताते हुए कुसमी अनुविभागीय को यहाँ पर आवेदन देकर मांग रखी है कि यहाँ पर 2 से 4 दिन के भीतर मांग नहीं पूरी की गई तो हम फिर से चरहट माइन से खदान को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार खुद हिंडालको GNC कंपनी होगी। चरहट माइन पर उपस्थित है, क्या कारण है कि आप लोग को फिर बैठना पड़ गया यहाँ पर? हम लोगों को बोला गया था कि 32 आदमी देंगे चारों पंचायत में नौकरी को लेकर के जी, और चारों पंचायत के बीच में विभाजन हुआ, कागज भी हम लोग जमा किए और बोले कि 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा, और ये हमारे पुलिस ऑफिसर बोले कि हम कोई नेता नहीं है यार, हम एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपको काम मिलेगा। और हम लोग का बैठा हुआ जो है 52 दिन हो गया, अभी तक हम लोगों को कोई 4 पंचायत में एक भी लोगों का कोई काम मिलने का कोई जुगाड़ ही नहीं लगा,
फिर से हम लोग को उतना ही झेलना पड़ा और हम लोग फिर मतलब हड़ताल में बैठे हैं। जी देखिए, 20 से 25 दिन हम लोग बैठे थे, सभी व्यक्ति जितने भी हमारे युवा हैं सभी कोई को मांग था कि लेबर का काम पत्थर तोड़ने का किया करेंगे हम लोग जी, जो कि पुलिस अधिकारी के द्वारा दल बल के दम पर लाठी चार्ज करने के भड़काऊ वो करके, कंपनी के ठेकेदार भी थे। हाँ, ठेकेदार भी थे। कौन कौन थे? टीनू सिंह थे और उपेंद्र सिंह थे जी, और एक दो जन थे उनके जी। क्या कहा गया उनके द्वारा? उनके द्वारा कहा गया कि 4-5 दिन के अंदर जी 4 पंचायत में से 8-8 करके 32 को रखा जाएगा। और विदिशा कोतवाली थाना परिसर में लगभग 40 पुलिस कर्मचारियों की तरफ से श्रमदान किया गया और ये श्रमदान पिछले सप्ताह से किया जा रहा है। और वहीं थाना कोतवाली TI आशुतोष सिंह राजपूत ने बताया कि यहाँ पर जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पिछले सप्ताह से पुलिस कर्मचारियों की तरफ से श्रमदान किया जा रहा है। पिछले सप्ताह यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों ने श्रमदान किया था और इसी दौरान यहाँ पर रविवार को भी लगभग 40 कर्मचारियों ने श्रमदान कार्य किया, जिसमें यहाँ पर कोतवाली थाना प्रांगण के साथ साथ जबकि कि वहां पर वाहनों का भी रखरखाव आदि की व्यवस्था देखी गई और साफ सफाई की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा के आदेशानुसार विगत सप्ताह से लगातार हर रविवार को श्रमदान हेतु थाना परिसर में साफ सफाई और जब्ती वाहनों का उचित रखरखाव हेतु व्यवस्थित रिकॉर्ड संधारण हेतु प्रत्येक रविवार को श्रमदान करने का निश्चय किया गया था। इसी तारतम्य में लगातार दूसरे रविवार को श्रमदान कोतवाली विदिशा में किया जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं। काफ़ी बृहद स्तर पर साफ सफाई का अभियान किया जा रहा है। और विदिशा जिले के पठारी आपदा के यहाँ पर कुरबाई विधानसभा की पठारी तहसील अंतर्गत यहाँ पर ग्राम बंद्रावाठा में कुरबाई जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार ने यहाँ पर कैंप लगाकर लगभग 300 फार्म भरे। इस मौके पर कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवार ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से घोषणा की गई है कि यहाँ पर सरकार बनते ही नारी सम्मान योजना जैसी कई योजनाओं को तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। उस दौरान भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने उन सब में उत्साह के साथ पार्टी कांग्रेस का सम्मान और साथ योजना की आवेदन भरवाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वचन दिया कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह और साथ ही रसोई गैस 500 रुपए में उपलब्ध करवाई जाएगी, 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ किए जाएंगे और साथ ही 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। चलिए बात सिंगरौली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर सिंगरौली जिले के NTPC विद्यांचल का जो है इस राख पाइप जयनगर जुवाली मोड़ के पास फटा हुआ है। सड़कों पर मलबा बह रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर वार्ड 36 के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने NTPC विद्यांचल के प्रबंधन को पूर्व में यहाँ पर पत्र देकर अवगत भी करवाया था। कई बार अनुरोध भी किया गया था कि इस यहाँ पर राख के यहाँ पर पाइप के ऊपर हाई टेंशन लाइन जो है लाइट की हुई है, जो अत्यधिक खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर इस पाइप को ठीक किया जाए, लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द इस जो पाइप फटा उसको ठीक कर दिया ताकि लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। और सिंगरौली में बता दें कि यहाँ पर समर कप जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सिंगरौली के विधायक रामलालू वैश्य की जो है उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। उनकी तरफ से यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया और इस अवसर पर यहाँ BMS पूर्व जो है महामंत्री मुन्नीलाल, वरिष्ठ पत्रकार रोहित गुप्ता, BJP मंडल महामंत्री आलोक यादव सहित कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। और मध्य प्रदेश की उमरिया जिले के यहाँ पर बीरसिंहपुर पाली में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत पंजीकृत अंतिम रूप से यहाँ पर पात्र समस्त लाडली बहनों के यहाँ पर आधार लिंक DBT इनबेल्ड खातों में यहाँ पर प्रथम मासिक आर्थिक सहायता राशि के यहाँ पर जो है अंतरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पर आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के यहाँ पर निर्मामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ है। सर्वप्रथम माँ बिरासिनी के यहाँ पर छायाचित्र पर माल्यार्पण और साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जबलपुर में यहाँ पर चल रहे लाडली बहना योजना कार्यक्रम को जो है वेबकास्ट और साथ ही दूरदर्शन के माध्यम से सीधा उसका प्रसारण LED स्क्रीन के माध्यम से पाली नगर की वार्ड क्रमांक 11 स्थित यहाँ पर स्कूल ग्राउंड में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।
मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों का मैं बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और माननीय सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी बहनों की ओर से। आज जो उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत 1,000 की राशि हमारी बहनों के खाते में उन्होंने डालने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अभिनंदन और वंदन के पात्र है। देखिए, आप सबने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना कि कैसे कैसे उस पैसे का उपयोग होगा, और आज जहां 1 रुपए की भी व्यवस्था नहीं थी, आज हमारी बहनों के खाते में 1,000 रुपए आएगा। मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों का मैं बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और माननीय उमरिया जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है, और नौतपा के बाद बता दें कि बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर तापमान में कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। वहीं मौसम की यहाँ पर बात करें तो मौसम 45 डिग्री से भी ऊपर बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको छांव की आवश्यकता पड़ती है, इसकी वजह से यहाँ पर छातायाती लोग तोले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात करें तो उमरिया जिले के यहाँ पर इकलौते बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर इंसान तो इंसान जानवरों को भी यहाँ पर गर्मी इतनी सता रही है कि उन्हें यहाँ पर पानी पीने के लिए भी कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर पानी के यहाँ पर एक झलक दिख जाए तो प्यास बुझाने के लिए टूट पड़ते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल न्यूज़ 10। नमस्कार।